देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। एनआरसी और सीएए को संविधान विरोधी कहकर दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर बिहार में भी कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां कुछ लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग इसके समर्थन में भी खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ लोग इस प्रदर्शन की आड़ में नाम कमाने में जुटे हुए हैं, उसमें से एक हैं जिग्नेश मेवाणी। ऐसे तो गुजरात के वडगाम से विधायक हैं जिग्नेश मेवाणी, लेकिन लगता है उन्हें अपने क्षेत्र की समस्या से कोई मतलब ही नहीं है। वडगाम क्षेत्र के लोगों ने जिग्नेश मेवाणी को विधायक शायद इसलिए बनाया था कि वो अपने क्षेत्र का विकास कर सके, लेकिन जिग्नेश मेवाणी को अपने क्षेत्र वडगाम से कम दूसरे प्रदेश से ज्यादा मतलब है। तभी तो आजकल जिग्नेश अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए बिहार में एनआरसी और सीएए के विरोध में प्रदर्शन के नाम पर सुर्खियां बटोर रहे हैं। जी हाँ, इसी क्रम में कल शाम जिग्नेश मेवाणी पहुँचे थे दरभंगा में, जहाँ एनआरसी और सीएए के विरोध में एक जनसभा को संबोधित किया, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को रंगा बिल्ला की जोड़ी तक कह दिया। आज ये रंगा बिल्ला की जोड़ी ने पूरे मुल्क में जो आग लगाई है, सच पूछिए तो पूरे गुजरात की नाक कटवा दी। शायद जिग्नेश मेवाणी ये भूल गए हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री किसी खास जगह, जिले, राज्य के नहीं होते, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री होते हैं। लेकिन विधायक किसी एक जिले से आते हैं, उसका काम है अपने क्षेत्र के बारे में विधानसभा में सरकार से सवाल पूछना और अपने क्षेत्र का विकास करना। पहले भी जिग्नेश मेवाणी पटना के सब्जी मंडी में प्रदर्शन करने पहुंचे थे, वहां भी विकास की बात नहीं की और सीएम नीतीश कुमार के साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बारे में बयान दिया। बिहार की जनता को और पूरे देश की जनता को एक ही संकल्प करना, एनपीआर हो, एनआरसी हो, कोई भी सर्वे हो, सर्वे के लिए जब भी लोग आए घर पे अदरक वाली बढ़िया चाय पिलाकर वापस भेजेंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। यदि ये संकल्प इस मुल्क की 130 करोड़ जनता कर दे तो मोदी जी का कानून धरे का धरा रह जाएगा। अच्छा सर, सरकार आप पे आरोप लगाती है कि आप लोग टुकड़े टुकड़े गैंग्स खाते हैं, और आप सरकारों पे आरोप लगाते हैं कि वो देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के दो चैंपियन है, उसको पूरी दुनिया जानती है। एक का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, दूसरे का नाम अमित शाह। तो टुकड़े टुकड़े गैंग के चैंपियन तो मोदी और अमित शाह है, जो इस भारत की छाती पर छेद करने के लिए तुले। वैसे तो जिग्नेश मेवाणी पूरे देश में घूम रहे हैं, लेकिन जब गुजरात में बिहारियों को निशाना बनाया जा रहा था तब वो चुप्पी की चादर ओढ़े बैठे थे। बिहार में बाढ़ और चमकी जैसी तबाही देखी तब भी मेवाणी का बिहार से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जैसे ही उन्हें राजनीति चमकाने का मौका मिला वो बिहार पहुँच गए। राजनीति में विरोध और समर्थन का खेल चलता रहता है, लेकिन एक सच्चाई तो ये है कि सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जा रही है। बावजूद इसके अपनी राजनीति की दुकान चलाने के लिए लोग अपनी सुविधा के मुताबिक इस मामले पर स्टैंड ले रहे हैं। दरभंगा से प्रहलाद कुमार और पटना से राजेश कुमार झा की रिपोर्ट, बिहार तक।